शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ कमली में लिपटने वाले, रात को क्याम किया करो मगर थोड़ी सी रात, यानी निस्फ रात या उससे कुछ कम क्याम करो या कुछ ज्यादा, और कुरान को अच्छी तरह ठहर ठहर कर पढ़ा करो। हमन करीब तुम पर एक भारी फरमान नाजिल करेंगे। कुछ शक नहीं कि रात का उठना नफ्स को सख्त पामाल करता है और उस वक्त जिक्र भी खूब दुरुस्त होता है। दिन के वक्त तो तुम्हें और बहुत से शगल होते हैं, तो अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करो और हर तरफ से बेताल्लुक होकर उसी की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। वही मशरिक और मगरिब का मालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो उसी को अपना कारसाज बनाओ। और जो जो दिल आजार बातें ये लोग कहते हैं उनको सहते रहो और खूबसूरती से उनसे किनारा कश रहो, और मुझे उन झुटलाने वालों से जो दौलतमंद हैं समझ लेने दो और उनको थोड़ी सी मोहलत दे दो। कुछ शक नहीं कि हमारे पास बेड़ियां हैं और बड़ी जबरदस्त आग है और गले में अटकने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है। जिस दिन जमीन और पहाड़ कांपने लगें और पहाड़ ऐसे भुरभुरे हो जाएंगे जैसे रेत के टीले, ऐ अहले मक्का, जिस तरह हमने फिरौन के पास मूसा को पैगंबर बनाकर भेजा था, उसी तरह तुम्हारे पास भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल भेजे हैं जो तुम्हारे मुकाबले में गवाह होंगे। सो फिरौन ने हमारे पैगंबर का कहा न माना तो हमने उसको बड़े दर्दनाक अंदाज से पकड़ लिया। अगर तुम भी इन पैगंबर को न मानोगे तो उस दिन से किस तरह बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, जिससे आसमान फट जाएगा। ये उसका वादा पूरा होकर रहेगा। ये कुरान तो नसीहत है, सो जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले। तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है कि तुम और तुम्हारे साथ के लोग कभी दो तिहाई रात के करीब और कभी आधी रात और कभी तिहाई रात कयाम किया करते हो, और अल्लाह रात और दिन का अंदाजा रखता है। उसने मालूम किया कि तुम उसको निभा न सकोगे, तो उसने तुम पर मेहरबानी की। बस जितना आसानी से हो सके उतना कुरान पढ़ लिया करो। उसने जाना कि तुम में बाज बीमार भी होंगे और बाज अल्लाह के फजल यानी माश की तलाश में मुल्क में सफर करेंगे और बाज अल्लाह की राह में लड़ेंगे, तो जितना आसानी से हो सके उतना कुरान पढ़ लिया करो और नमाज कायम करते रहो और जकात अदा करते रहो और अल्लाह को नेक नियति से कर्ज देते रहो, और जो अमल नेक तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसको अल्लाह के यहां बेहतर और सिले में बहुत अजीम पाओगे, और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।